नमस्कार, महासंग्राम 2024 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पहुंचे हैं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कमलनाथ से मिलने। सज्जन सिंह वर्मा पहुंच गए हैं दिल्ली। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है कि 40 साल से कमलनाथ के साथ हूं, कई मुद्दों पर कमलनाथ के साथ चर्चा होगी, कमलनाथ कांग्रेस में हैं और आगे का पता नहीं। ये बड़ी बात उन्होंने कह डाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं महासंग्राम 2024 से जुड़ी हुई। ऐसा तो किसी टीवी पे भी उन्होंने नहीं बोला कि उन्होंने कोई निर्णय इस तरह का लिया हो, पर उन्होंने मना भी नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि बताएंगे जो भी होगा। नहीं बताएंगे ना, तो अब मैं अंदर जा रहा हूँ, अब मैं अभी जो आवश्यक चर्चाएं हैं। आपकी क्या स्थिति, आपका क्या स्थिति है सर, आप कहाँ हैं, कमलनाथ के साथ हैं? 40 साल से जिस व्यक्ति के साथ मैं हूँ ये जग जानता है पूरा। अब मैं उनसे कुछ बिंदुओं पे चर्चा करके कि भ्रांति ना रहे कहीं, और हम ऐसा हमारा निर्णय आम जन के बीच में कर दें कि लोगों की जो भ्रांतियां दूर हो जाए, पत्रकारों की भी दूर हो जाए। देखिए प्रदेश के साथ में हैं कमलनाथ के, मैं तो 40 वर्षों से साथ में हूं। मैं तो कमलनाथ किधर जाएंगे ये सवाल पिछले तकरीबन एक महीने से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में तैर रहा है। पिछले 48 घंटे से इस सवाल पर कई नेताओं के जवाब भी आए, लेकिन सही जवाब सिर्फ कमलनाथ के पास है। जो बोल तो रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं ये गैर राजनीतिक इंसान की समझ से परे है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में कमलनाथ को लेकर असमंजस बरकरार है। बीजेपी कांग्रेस दोनों खेमों में उनके पार्टी छोड़ने और पार्टी में शामिल होने को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। दोनों दलों के नेता उनको लेकर बयान दे रहे हैं। इस बीच खुद कमलनाथ बयान देकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा में संदेश जरूर दिए जा रहे हैं। अब इस संदेश का दोनों खेमों के नेता अपने अपने समीकरण के हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। इस बीच कमलनाथ ने एक बार फिर बयान दिया लेकिन बोला कुछ नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली स्थित कमलनाथ के घर से एक और संदेश देने की कोशिश की गई। उनके घर पर पहली बार श्रीराम का झंडा नजर आया। एक और संकेत भोपाल में दिख रहा है जहां कांग्रेस दफ्तर पर सन्नाटा पसरा है। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के घर से भीड़ गायब है, दरवाजों पर ताले लटके हैं। इस बीच खबर आ रही है कि कमलनाथ समर्थक 2 दर्जन के करीब विधायकों ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से दूरी बना ली है। कुछ ऐसे कांग्रेस विधायक भी हैं जो कह रहे हैं जहां हैं अच्छे हैं। देखिए ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, तभी कांग्रेस के साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या भाजपा अगर वो जाते हैं तो आप भी ज्वाइन करेंगे? नहीं, ऐसा कोई अभी तक कोई प्लान नहीं है। और भी कोई नेताओं से आपकी बात हुई क्या इस संबंध में? नहीं, नेताओं से बात चल रही है, बाकी किसी का कोई ऐसा प्लान नहीं है, न कोई ऐसा निर्णय है सब। उधर 24 घंटे पहले तक नेहरू इंदिरा से कमल के रिश्तों को याद करने वाले दिग्विजय सिंह के बयान में इस बार कुछ बदलाव देखने को मिला। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है, हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है, और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की, का सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा। भले ही दिग्गी राजा के बयान में बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन कमलनाथ को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान में कुछ बदलाव नहीं आया है। आज सर अगर हम बात करें जिस तरह से कमलनाथ और नकुलनाथ की बीजेपी में आने की संभावना हो रही है, कैसे देखते हैं सर इसे? मेरे पार्टी अध्यक्ष ने कहा है सबका स्वागत है। कमलनाथ और नकुलनाथ की बीजेपी में आने की संभावना हो रही है, कैसे देखते हैं सर इसे? मेरे पार्टी अध्यक्ष ने कहा है सबका स्वागत है। कमलनाथ को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है, कयास और अटकलें लगाने का दौर जारी है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जारी सियासी सरगर्मी के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुका है। इस कड़ी में दीपक बैज ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और सत्ताधारी पार्टी पर कांग्रेस नेताओं को लालच देने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में बीजेपी कह रही है मुद्दों की कंगाली, कांग्रेस नेताओं से ऐसे बयान दिलवा रही है।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ को लेकर हंगामा है तो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सवाल उठाया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने। दीपक बैज ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रही है। बैज ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई पीसीसी पदाधिकारी नहीं है जिसके पास फोन नहीं गया हो। बैज ने कहा कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी के ऑफिस से भी शामिल होने के लिए फोन आया है। हमारी कार्यकर्ताओं को लालच देने का काम, पद देने का काम, सरकार में एडजस्ट करने का काम, अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई पीसीसी पदाधिकारी नहीं बचाओ जिनके पास फोन नहीं गया है। सभी पीसीसी पदाधिकारी, सभी नेताओं पास फोन गया, बेशर्मी से फोन गया है। और ये सभी मंत्रियों के ऑफिस से, जहां तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर के ऑफिस से फोन गया है कि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, हम आपको निगम मंडल में एडजस्ट करेंगे। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए लालच देने के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि दीपक बैज अपने नेता और प्रभारी की चिंता करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस में डर का माहौल है और ऐसे में अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस नेता बहाने ढूंढ रहे हैं और बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। बैज जी अच्छे नेता है, उनको अपनी प्रभारी शैलजा जी की चिंता करनी चाहिए थी। चुनाव में, चुनाव के बाद उनके ही पदाधिकारियों ने कांग्रेस के कहा कि शैलजा जी ने धन भी लिया और बल का उपयोग भी किया और खास लोगों को अपने यहाँ बुला कर रखते थे और एक वर्ग को तवज्जो दिया। तो अपने नेता की चिंता, अपने प्रभारी की चिंता करें। और जहाँ तक माननीय ओम माथुर जी का सवाल है तो उनके नेतृत्व में भाजपा ने सत्ता छीनी है कांग्रेस से, और मेरा विचार है कि जो लोग कांग्रेस से यहाँ आते हैं वो कांग्रेस डूबता जहाज है, अपनी जान बचाने आ रहे हैं। पर हाँ, इस बात की गारंटी है, कांग्रेसी आएंगे तो भाजपा में राजनीतिक शुद्धता और राष्ट्रवाद तो आ जाएगा। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसी कड़ी में दीपक बैज का भी ये बयान। हालांकि उनके बयान की जैसे ही कोई सुगबुगाहट फिलहाल प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। बहरहाल अभी भी आम चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर शुरू है, जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे इसके और तेज होने के पूरे आसार हैं। तनु वर्मा, न्यूज 18, रायपुर। और दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का दो दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ समाप्त हो गया। पीएम मोदी ने अपने 64 मिनट के भाषण में कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से काम करने का मंत्र दिया। कांग्रेस समेत विपक्ष पर निशाना साधते हुए 10 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां बताईं और लगे हाथ अब की बार 400 पार के साथ कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में कूच कर जाने के लिए भी कह डाला। दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो इस आत्मविश्वास और अब की बार 400 पार के नारे के साथ पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव दूर है लेकिन पूरी दुनिया को पता है आएगा तो मोदी ही। अभी तो चुनाव बाकी है लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस से देश की जनता को बचाने का दायित्व बीजेपी के हर कार्यकर्ता का है। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। मोदी ने न सिर्फ कांग्रेस से देश को बचाने का आह्वान किया बल्कि कांग्रेस को अस्थिरता, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जननी भी करार दिया। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। पीएम मोदी यही नहीं रुके,
उन्होंने कांग्रेस पर देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने का भी आरोप लगा डाला। विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर देश के लिए मोदी सरकार जरूरी क्यों है। आज देश की जनता कह रही है भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बने, इसके लिए। और आखिर में मोदी ने पार्टी के हर कार्यकर्ता को अब की बार 400 पार के नारे के साथ अपने अपने क्षेत्र में कूच करने का निर्देश दे दिया। आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं, अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। तो इस तरह से पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया, केंद्र की सत्ता पर वापसी का गुरु मंत्र दिया और इसे हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं से हकीकत की जमीन पर उतरकर 400 के नारे को साकार करने के लिए जुट जाने का आह्वान किया। भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीजेपी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में बड़ा फैसला हो गया है। प्रस्ताव लाकर पार्टी के संविधान में संशोधन होगा। पार्टी अध्यक्ष को लेकर संविधान में संशोधन किया गया है। संसदीय बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकता है और अध्यक्ष पद खाली होने पर फैसला ले सकता है। अध्यक्ष का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। संसदीय बोर्ड प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। तो पार्टी अध्यक्ष को लेकर एक संशोधन आया है। संसदीय बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में सर्वसम्मति से यह फैसला ले लिया गया है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ उन्होंने मोदी सरकार के पिछले 10 साल में किए कामों का जिक्र किया और दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। शाह ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने के बाद कांग्रेस का जीतना असंभव हो गया है। पीएम मोदी से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के पिछले 10 साल में किए गए कार्यों को गिनाया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब जब देश को गर्व करने का मौका आया, उसी वक्त कांग्रेस ने सबूत मांगे, देश की सेना की शहादत के भी सबूत मांगे। हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का सीए का बिल, इसका विरोध किया। एक देश एक टैक्स जीएसटी का विरोध किया। दलित को राष्ट्रपति बनाना, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना आपने आम सहमति नहीं होने दी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने भारत की सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया में प्रस्तापित, आतंकवाद के सामने एक कड़ा मैसेज दिया आपने। उस वक्त भी राहुल बाबा आपने उस वक्त भी देश से साक्ष्य मांगे थे, शर्म करो सेना के जवान की शहादत पर आप साक्ष्य मांगते हो। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी दिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अमित शाह के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके साथ ही अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने के बाद अब कांग्रेस का चुनाव जीत पाना असंभव हो गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन ने ओबीसी वर्ग के साथ छलावा किया, तो वहीं बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। कि मध्य प्रदेश तो वो राज्य आता जहाँ चार चार ओबीसी वर्ग से अगर मुख्यमंत्री देने का गौरव किसी ने दिया है तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और ये दुर्भाग्यशाली अभागे लोग भगवान राम का निमंत्रण भी ठुकरा करके देश में राजनीतिक विजय की कामना करते हैं। ये किस ढंग से राजनीति करना चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, हमारे अपने हिंदुओं के आराध्य का अपमान करके ये किस जगह खड़े होंगे। मैंने तो पहले भी कहा था और अभी फिर कहना चाहता हूँ कि अगर ये आप ये चाहते हो कि हमारे हिंदुओं का अपमान करके आपको राजनीतिक विजय मिल जाएगी, ये असंभव है, कभी संभव नहीं हो सकता। इस तरह से बीजेपी ने दिल्ली से लोकसभा के महासंग्राम की रणनीति और जीत के मंत्र के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरा और 400 पार के सपने को साकार करने के लिए जुट जाने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। और चलिए अब आपको बीजेपी सम्मेलन की बड़ी बातों के बारे में बताते हैं कि बीजेपी का ये दो दिनी सम्मेलन समाप्त हो गया, लेकिन क्या बड़ी बातें इसकी रहीं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटें लोकसभा की सीटें पार करने का लक्ष्य है। 10 साल की सरकार की कई उपलब्धियों का इस सम्मेलन में जिक्र भी किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा भी किया गया, और एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मन डरे ये भी बताया गया इन बड़ी बातों में। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन देश की एक बड़ी उपलब्धि, यानी कि पूरे 10 साल का खाका खींचा गया कि 10 साल में हमने किया क्या है। देश की हर उपलब्धि पर कांग्रेस ने सवाल उठाने का काम किया, तो कांग्रेस यानी विपक्ष को निशाने पर लिया गया। आम चुनाव में कांग्रेस का जीतना संभव नहीं है, ये बात भी कही गई। कश्मीर से धारा 370 हटाना भी बीजेपी की बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया गया है, और बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का नारा भी आज दिया गया। और इस नारे के साथ ही प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि 400 पार का नारा भी दे दिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे चलते।